नो इंसा पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा से 30 और केंद्र से 20 कुल 50 कंपनियां नूह में भेजी गई हैं और अब तक 41 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। नूह से 116 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और मामले की जांच तेजी से जारी है। वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशियंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां पर भेज दी गई है। पहले जब कल हिंसा शुरू हुई तो नूह के साथ लगते जिलों से, फरीदाबाद से, पलवल से, गुड़गांव से, झज्जर से, रिवाड़ी से अधिकारियों सहित हमने फोर्स वहां पर भेज दी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी वहां पर फोर्स भेज रहे हैं। मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से भी बात की थी और हमें 20 कंपनियां वहां से उन्होंने उपलब्ध करा दी उनको डिप्लॉय करने के लिए। अगर हमें कहीं से आवश्यकता पड़े और दूर के इलाके से उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई रहने के लिए कह दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम। अब वहाँ पर कुछ कंपनियाँ पहुँच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियाँ चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाह रहा है। लेकिन मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहता। नहीं देखिए, ये जो मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और बाहर बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, गन फायर हो रहा था, मुझे भी अंदर से ही किसी ने गूगल लोकेशन भेजी थी तो वो मैंने प्रशासन को दी, तो हमारी जो ADGP लैंड ममता सिंह उसने खुद रहनुमाई करते हुए फोर्स की जाकर उनको वहाँ से उनके बंधन से मुक्त कराया। विपक्ष अभी भी राजनीति करने से बाहर नहीं है। देखिए, ये राजनीति करने का मौका नहीं, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले तो शांति बहाल कर लें। अगर आपका सबका अलग अलग पार्टियाँ जो बोल रही हैं वो वहाँ पर अपने अपने सोर्सेज से सारों को शांति बहाल करने की बात करें तो राजनीति तो जब करनी होगी तो देंगे, जवाब दूंगा, मैं हूँ ना, जब मौका आएगा जवाब देंगे, पर आज मैं नहीं देना चाहता। आज तो मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वहाँ पर शांति बना